फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में आपने जो इनकम की उसके लिए आयकर रिटर्न यानी कि आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 थी। लेकिन अगर आप अपना आईटीआर अब भी नहीं भर पाए हैं तो क्या अब आपके पास कोई ऑप्शन बचा है, इसी बारे में जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए होती है। जिन लोगों को अकाउंट, इनकम और बैलेंस शीट बाकी चीजों के ऑडिट के बाद इनकम टैक्स भरना होता है, उनके लिए आईटीआर की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2024 है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तब आपके पास आईटीआर भरने के लिए समय है। आमतौर पर कंपनियां ही इस तारीख तक अपना आईटीआर भरती हैं। इसके अलावा बिलेटेड आईटीआर अगर आप इंडिविजुअल कैटेगरी में आते हैं और 31 जुलाई 2024 तक अपना आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं तब आप अपना डिलेड आईटीआर या फिर बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स और पेनल्टी देनी होगी। डिलेड आईटीआर को भरने की डेडलाइन 31 दिसंबर तक होती है। डिलेड आईटीआर के लिए आयकर कानून की धारा 139(4) के तहत भरे जाते हैं, जबकि सामान्य आईटीआर को धारा 139(1) के तहत भरा जाता है। और अगर आप डिलेड आईटीआर फाइल करते हैं तब आपको 5,000 रुपए तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। आयकर कानून की धारा 234(f) के तहत डिलेड आईटीआर भरने के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर आपकी एनुअल इनकम 5,00,000 रुपए तक या उससे कम है तब आपको सिर्फ 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा, जबकि इससे ज्यादा की आय पर आपके जुर्माने की रकम 5,000 रुपए हो जाएगी। आईटीआर फाइल करने के बाद अगर आपका रिफंड बनता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपका टैक्स बकाया निकलता है तब आपको डिलेड आईटीआर भरने पर सिर्फ जुर्माना नहीं देना है, बल्कि आपको आयकर कानून की धारा 234(a), (b) और (c) के तहत 1% प्रति महीने के आधार पर बकाया टैक्स राशि पर भी ब्याज देना होगा। बहरहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।